आपने कभी लकड़ी की टाई बांधी है या कभी चमड़ी की बेल्ट की जगह लकड़ी की बेल्ट का इस्तेमाल किया है? ये और ऐसे बहुत से खूबसूरत और बेमिसाल शाहकार नौजवान दस्तकार एलम लॉन्ग कुमेर के बासलाहियत हाथों के नमूने हैं। एलम शिमाल मशरक के दूरदराज के सूबे नागालैंड के शहर दीमापुर के साकिन हैं। इंतहाई खूबसूरती और हरियाली से भरे नागालैंड में 16 बड़े जंगजू कबाइल और दीगर छोटे कबाइल रहते हैं। इन कबीलों के बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत अच्छे दस्तकार हैं, जो कबाइली डिजाइनों पर मुनसर लकड़ी पर नक्काशी करते हैं। यहाँ तक के नागा कबायली लोगों के बहुत से घर भी लकड़ी से बने होते हैं। इन घरों के ऊपर जो नकूश बने होते हैं वो मखसूस कबीलों की निशानदेही करते हैं। इसके साथ ही लकड़ी के लट्ठों से तामीर शुदा रिवायती ढोल यानी ड्रम्स भी बनाए जाते हैं। कदीम में इन ढोल का इस्तेमाल नागा लोग अपने साथियों को बुलाने और अहम ऐलानात के लिए करते थे। ये भारी भरकम ढोल लकड़ी के बने होते हैं और ये मोरंग के अंदर रखे जाते हैं। मोरंग नागालैंड में उन घरों को कहा जाता है जहां गैर शादीशुदा लड़के एक साथ रहते हैं और मुख्तलिफ हुनर सीखते हैं। ये मोरंग भी लकड़ी से ही तामीर किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नागा कबाइल के मौसकी के साज भी ठोस लकड़ी या बांस के बने होते हैं। मिसाल के तौर पर सूबे के मशहूर मौसीकार जोड़े मुआ सुबोंग और एरेनला ने हाल ही में बांस से एक साज बनाया है जिसका उन्होंने पैमहम नाम रखा है। जब चारों तरफ लकड़ी और बांस का इतना बहुत सा इस्तेमाल हो रहा हो तो जाहिर है बहुत से नौजवान लकड़ी का दस्तकार बनना पसंद करेंगे। हमारे बासलाहियत दस्तकार एलम के बचपन का ये शौक एक जुनून में तब्दील हो गया और बाद में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी से नई नई अशिया बनाने में वक्फ कर दी। उनकी खसूसियत यह है कि उनकी बनाई हुई सभी मसनूआत पर नागा तहजीब की मखसूस छाप होती है। हालांकि एलन की बनाई हुई सभी मसनूआत खसूसी तौर पर डिजाइन की हुई होती हैं, लेकिन वो खुदगर्ज नहीं है। वो इस आर्ट को दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
उनकी वर्कशॉप्स में आपको हमेशा ऐसे शागिर्द मिलेंगे जो उनसे तरबियत हासिल कर रहे होंगे और उनकी हिदायत पर अमल कर रहे होंगे। एलएम को बहुत अच्छी तादाद में हिंदुस्तान और गैर मुल्कों से ऑर्डर मिलते हैं। ۲۰۰۴ में उन्हें दस्तकारी के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद उन्हें मिलने वाले ऑर्डर्स की तादाद में और इजाफा हो गया है। इस बावकार इनाम से पहले उन्हें 2003 में नागालैंड के गवर्नर ने भी इनाम से नवाजा था। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत से इनामात हासिल हो चुके हैं। So far, I haven't received any formal trainings, and then I have just started this work as a hobby, and then it's really going on well. I've never expected that my products will be appreciated, my creations will be appreciated, and then to mention some particular item, my necktie and belt. These are the very two prominent items that I have made it. And these are the two items that which I have received a national award from the President of India in the year 2003. And this has given me a really inspiration that I can really like do well, or maybe my products, my creations has been appreciated by all. And then this has given me more responsibility to work and to put creativity, to put more efforts on what I am doing. And then this is really pushing me. And then my future plan is like I'll try to employ more unemployed youths, and then youths. Now also I mainly employ youths to work with me. पहले तो आर्ट मेरा हॉबी था, मगर अभी तो प्रोफेशन जैसा हो रहा है। और उसके बाद अभी जो यहाँ पर आर्ट होता है, आर्ट का काम होता है, वो मैं करता है। और अभी तो हम बहुत सीख लिया है यहाँ आकर, और मेरा बॉस आलम जो है उसने बहुत इंकरेज किया। नागाओं के खूबसूरत देश के एक और माहिर दस्तकार वेलासुजो शिजो हैं। वो दीमापुर जिले के डाई जेफे गांव के साकिन हैं। वेलासुजो को भी गवर्नर के इनाम से नवाजा जा चुका है। उन्हें लकड़ी की दस्तकारी के इस काम में अपनी अहलिया और दीगर अफराद की मदद भी हासिल होती है। इसके अलावा नागालैंड से ही नहीं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और कभी कभी बर्मा से ही लोग उनसे ये हुनर सीखने के लिए आते हैं। एलएम की ही तरह वेलासुजो की दस्तकारी पर भी नागा तहजीब की मखसूस झलक नुमाया दिखाई देती है। वो लकड़ी से हर मुमकिन चीज बनाते हैं, छोटे छोटे कीरिंग्स से लेकर बड़े बड़े सजावट के सामान तक। लकड़ी से वो AK-47 नाम की बंदूक का मॉडल बना चुके हैं। इस सब के लिए सख्त मेहनत की जरूरत होती है। वेलासुजो पहले लकड़ी काटते हैं, फिर उससे मस्नुआत बनाते हैं और उसके बाद उनको रिवायती अंदाज से सुखाकर उन पर पॉलिश करते हैं। I
amaham total member to 90 jonas regular to amakan 30 to 35 nisna amakan to kam kor thagi to amakan etia kam korigina amakan pet pali thaka to khor to amakan to 20 jon nisna to khor da amakan etu kam korigina pet pali ase to etia amakan to future limited amakan pordan eta ase etia government laga school pura kham bi sob government laga job tu na pabo etu ne etu pura bi family pali ase hole bi amakan taka posa amakan la short pura amakan posa jiman pae raw material cost tu bishi ho jase aru manula hajira kam korte bishi ho se etu pura extra posa ulai kine amakan do काम करबो को तो बेसी दुपाय एतु गने जदि अमाखान साइटे बि गवर्नमेंट साइटे अमाखान के बि मदद दिले एतु बेसी भाल तो इतिया अमाखम इतुला काम करिगिने आजि तो पहातो आमी 2010 ते गवर्नमेंट Governor award to Amike Morongu gune Amike bi dishe itupra ami bi shi khushi paigine thakese itubi lugine ami kam kura to hole olop time pass kurgine ami kam kura no hoy full day full time full mondi gine ami kam kurgine aji top ahese Ellen aur Velasuzo ki masnuat sada aur bawaqar hoti hain लेकिन कौमी इनाम याफ्ता लकड़ी के दस्तकार लानू पोंगलिंग का काम मुफस्सल नक्काशी से आरास्ता होता है। लानू को 2003 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया और 2001 और 2002 में उन्होंने सूबाई इनाम हासिल किया। लानू ने सिर्फ 6 साल की उम्र से ही लकड़ी की दस्तकारी का काम सीखना शुरू कर दिया था। वो बहुत अच्छे मुजस्मा साज और मुसव्विर भी हैं। दरहकीकत उन्हें 2 सूबाई इनामात इसी सिलसिले में हासिल हुए हैं। लेकिन इन इनामात के बावजूद लानू कहते हैं कि मुसव्विरी सिर्फ उनका शौक है। लकड़ी काटने और उस पर नक्काशी करने के लिए थका देने वाले अमल के बाद मुसव्वरी उन्हें सुकून फराहम करती है। लकड़ी पत्थर एस्बेस्टोस और दीगर अशिया से बनाए हुए उनके मुजस्मे भी बहुत खूबसूरत होते हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी ने उनसे महात्मा गांधी का बस्ट यानी धड़ का मुजस्मा बनवाया था। इसी तरह लानू के बनाए हुए दरवाजे और मुजस्मों से नागालैंड के गवर्नर का घर भी आरास्ता है। उनका कुछ काम दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में भी मौजूद है। अपने इतने अच्छे काम के बावजूद लानू एक मुनकसर मिजाज इंसान है। वो खामोशी से तन्हाई में काम करना पसंद करते हैं। अक्सर उन्हें अकेले लकड़ी की छिलाई करते हुए किसी मुजस्मे को आखिरी शक्ल देते हुए या पेंटिंग को बनाते हुए देखा जा सकता है। I was facing quite a lot of difficulties when during my younger years and now to after focusing many years and developing my work and also after getting exposure from
development also in other in many other channels. I get quite a lot of exposure also, and now do after by making one sculpture, when I sell it, I at least get 20, 25, 30 thousand. So with that money, I can survive my family properly, and also I can afford materials for my proper work. लेकिन हर दूसरे दस्तकारों की तरह इस फनकार को अपने वालिद या दीगर रिश्तेदारों से फन को सीखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके खानदान में कोई भी शख्स फनकार नहीं था जो लकड़ी की दस्तकारी, मुजस्सिमा साजी या मुसव्वरी करता हो। उनके डिजाइन दूसरे फनकारों के स्टाइल से मुतासिर नहीं है। उनका कहना है कि वो नागालैंड के कुदरती मनाजिर, वहां की विरासत और रिवायात अपने एतराफ और अपने तखयुल से तहरीक हासिल करते हैं। नागालैंड एक ऐसा सूबा है जिसे कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है। वहाँ के कबीलों की बेशकीमत और रंगारंग तर्ज जिंदगी, उनके दिलकश लिबास, हेडगियर, जेवरात, गाने और रक्स किसी को भी फनकार बना देने के लिए काफी हैं। मुल्क के दीगर सूबों के दस्तकारों के बनाए हुए लकड़ी के फनपारे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन नागालैंड के दस्तकारों की तख्लीकात से मुख्तलिफ होते हैं। ये हैरतअंगेज फर्नीचर और फनपारे दिल्ली के ओमकार नाथ धवन ने बनाए हैं, जिनको 1990 में नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ओमकार नाथ की नक्काशी और कंदाकारी को देखकर लोग हैरतजदा रह जाते हैं। उन्हें 2010 में शिल्प गुरु का खिताब दिया गया था। इस दस्तकारी के फन की तालीम उन्हें अपने दादा से हासिल हुई थी। आज इस किस्म की दस्तकारी के बहुत कम फनकार मौजूद हैं। इस किस्म की दस्तकारी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, महारत और यकसुई की जरूरत होती है, लेकिन ओमकार नाथ धवन सख्त मेहनत से नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें अपने फन से इश्क है। अपने दादा के नक्श कदम पर चलते हुए ओमकार पहले पुरानी लकड़ी को मजबूत बनाते हैं और इसके बाद उस पर मुख्तलिफ डिजाइन और नमूने बनाकर उनके मुताबिक कंदाकारी करते हैं और उन्हें भर देते हैं। जब इस कौमी इनाम याफ्ता दस्तकार से पूछा गया कि उनके काम में पुरानी लकड़ी को तरजीह क्यों दी जाती है, तो उन्होंने बताया, ये मेरे बाप दादाओं की, मेरे परदादा की, मैं चौथी जनरेशन में हूँ इस काम में, और पहले हाथीदांत में होता था, उसके बाद हमने इसको बोन में लिया, प्लास्टिक में लिया और माध्यम से करा है बैन होने के बाद। तो बड़े आइटम बनते जैसे फर्नीचर वगैरह, ये सब बड़ी आइटम है। ऑलमोस्टली मैं वुड भी पुरानी यूज़ करता हूँ, ऑक्शन में लेके टीक वुड है, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट देखे आपने, ये देखे दरवाजे वगैरह, ये सारे बड़े जो है पुरानी का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं यू नो फायर वुड, उसको मैं संदल वुड बनाता हूँ, संदल वुड बना के वो एक्सपोर्ट होती है। लकड़ी में कंदा किए गए डिजाइनों को भरने के लिए
ऊंट की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। ओमकार ने बताया कि उनके दादा के जमाने में इस काम के लिए हाथी के दांत और उसकी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हाथी के दांत और उसकी हड्डियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयत कर दी गई है। इसलिए अब लकड़ी में भराई के काम के लिए ऊंट की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कानूनी तौर पर इसकी इजाजत है। इस फन को फरोग देने के लिए ओमकार के साथ उनके दो बेटे भी शामिल हैं। उनके बड़े बेटे अमित को 2004 में यूनेस्को अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब अमित का इरादा है कि वो अपने वालिद ओमकार की तर्ज पर अपनी दस्तकारी के शाहकार कौमी और सूबाई इनामात के लिए भेजे। इस किस्म के इनामात हासिल करना उनके लिए बाएं से फख्र होगा। अपनी 14 से 15 साल की उम्र में काम सीखा है। जब भी स्कूल में 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी तो अपना जो 2 महीने का टाइम होता था पूरा मैं अपनी फैक्ट्री में स्पेंड करता था पापा के साथ, और उनसे बहुत कुछ सीखा सर काम के अंदर। एक एक मतलब बारीकियाँ जो काम की हमारे हैं, कैसे डिज़ाइनिंग होती है, कैसे स्केच होता है, कैसे इनले होता है, कैसे कटिंग होती है पीसेस की, और ये सब मतलब जो भी नॉलेज देने वाली थी वो सब ली है सर। अभी मतलब पूरा तो कम्प्लीट तो हम लोग आर्टिस्ट नहीं बने, लेकिन जितना हो सके मतलब हम दिखाने लगते तो हमें काम आता है, मतलब अपनी नॉलेज में सारा काम है। और उसके बाद अवार्ड के लिए मुझे नेस्को में 2003 में मेरा नॉमिनेट हुआ, और वहाँ हमें बुलाया कुआलालंपुर में, वहाँ मुझे अवार्ड हुआ नेस्को का फर्स्ट प्राइज। उसमें $2000 भी हमें इनाम राशि मिली। उसके बाद मुझे कमला देवी 2003 में नवंबर में बेंगलोर में अवार्ड हुआ कमला देवी अवार्ड, और उसके बाद काफ़ी सर्टिफिकेट अवार्ड से मतलब सम्मानित हुआ। और ये परंपरा ऐसी हमारे परिवार की आगे बढ़ रही है, मैं 6th जनरेशन हूँ इस काम में। ओमकार का खानदान न सिर्फ तालीम याफ्ता है बल्कि वो नई नई तकनीकों से भी वाकिफ है, इसलिए उसकी पहुंच गैर मुल्की खरीदारों तक भी है। ओमकार के दिलकश फनपारों की अमरीका में भी बहुत जबरदस्त मांग है। वो बहुत फख्र से बताते हैं कि हॉलीवुड के अदाकार भी उनके काम को पसंद करते हैं और उन्हें खरीदते हैं। हिंदुस्तानी बाजार में उनकी मसनूआत की कीमत ज्यादातर 200 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होती है, और कोई भी शख्स उनको अपने बजट और जरूरत के मुताबिक खरीद सकता है। कौमी इनाम याफ्ता और शिल्प गुरु होने के नाते उन्हें दीगर दस्तकारों की तरह सरकार बहुत से मेलों और त्योहारों पर मधु करती है। इन मेलों की वजह से वो अपनी मसनूआत सीधे खरीदारों को न सिर्फ बेच पाते हैं बल्कि उनके जौक और जरूरतों के बारे में भी मालूमात हासिल कर लेते हैं। इन्हीं मेलों में उन्हें हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ताजिरों और कंपनियों से भी बड़ी तादाद में ऑर्डर हासिल हो जाते हैं। इस बात का अंदेशा है कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की मायानाज दस्तकारी का फन तारीख में दफन होकर न रह जाए, इसलिए सरकार ने शिल्प गुरुओं के लिए लाजमी करार दिया है कि वो साल में कम से कम 6 महीने नई नस्ल को अपने अपने फन की तरबियत देंगे। ओमकार भी इस किस्म की ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनका कहना है कि वो अब तक 70 नौजवानों को तरबियत दे चुके हैं, जो अब इस काबिल हो चुके हैं कि इस दस्तकारी को पेशे के तौर पर अपना कर अपनी रोटी रोजी कमा सके। जो भी यहाँ मतलब बनता है, कुर्सी बनती है, टेबल बनता है, जो भी मतलब साहब हमें ड्राइंग करके देते हैं तो हम बनाते हैं उसके बाद, और छोटा मोटा तो हम खुद ही कर लेते हैं, इतना सीख गए हैं, साहब ने सिखाया हमें है जी। तो बाकी जो बाहर जाते हैं वो लेके जाते हैं जी, तो बाहर से ऑर्डर मिलता है, फिर हमें हमारी रोजी रोटी चलती है और सब है जी। इन दस्तकारों की मानिंद हमारे मुल्क के हर सूबे में बहुत से बासलाहियत और इनाम याफ्ता दस्तकार मौजूद हैं, जिनका फन हर एतबार से नायाब है और जिसको आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये फनून हमारी विरासत है और हकीकतन कौमी सरमाया भी।